जय जितेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 7:12 हो गई है इवनिंग की, और आज 29 सितंबर 2020 है, 7:12 PM 29 सितंबर 2020। सो देखते हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी क्या हुआ है। तो सबसे पहले चार्ट खोल के देखते हैं बैंक निफ्टी ने कहाँ क्लोज किया है। आप देख सकते हो 21,411 पे क्लोज किया आज। कल से थोड़ी लोअर क्लोजिंग है, यस्टरडेज क्लोज वॉज 665, सो टूडेज क्लोज इज लोअर देन द यस्टरडे वन। एंड निफ्टी ने कहाँ क्लोज किया, तो अब आने वाले जो 2 दिन है, क्योंकि ये वीकेंड भी इस बार थर्सडे को है, क्योंकि ये कटेल्ड वीक है, फ्राइडे को हमारी छुट्टी है 2 तारीख को, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस महात्मा गांधी जयंती। तो 1 तारीख तक ही मार्केट रहेगा, 2 तारीख को छुट्टी है, और सैटरडे संडे वैसे भी छुट्टी रहती है, तो 5 तारीख को फिर से हम खुलेंगे। और 11,222 पे बहुत ही तगड़ी अच्छी क्लोजिंग आई है, लगभग कल के आसपास क्लोजिंग की। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो सुबह मैंने वीडियो बनाया था आपको, उसमें मैंने कुछ लेवल्स दिए थे आपको, वो दिखाना चाहता हूँ मैं। कल आज सुबह जो चाय की चर्चा में कुछ लेवल्स दिए थे आपको याद होंगे, तो आज देखिए मैंने क्या लेवल दिया था आपको। ये सुबह का वीडियो अगर आपने देखा ही होगा, मुझे लगता है जहाँ तक सभी ने देखा होगा, मोस्ट प्रोबेबली एवरी वन मस्ट हैव सीन दोज हू आर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो मैं दिखाना चाहता हूँ वो जो लेवल्स मैंने दिए वो काम किए कि नहीं, बस वो देखना चाहता हूँ मैं, किस लेवल से काम किए, वो थोड़ा सा हम लोग कोशिश करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये लेवल्स थे वो, इफ़ यू रिमेम्बर दिस वेर द लेवल्स। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपको, ठीक है। ये वो लेवल्स थे जो सुबह मैंने आपको दिए थे, आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला रेजिस्टेंस मैंने दिया था 11,240, दूसरा वाला 304, ध्यान दीजिएगा 304। तो आज निफ्टी का हाई हम लोग अगर चेक करें, तो आपको बकायदा चार्ट पे निफ्टी का हाई 11,304 का ही है, 305 का है, लेकिन 4 ही मान सकते हो आप इसको। आज का हाई आप देख सकते हो 11,305 है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। ओपनिंग है 288, हाई है, क्योंकि ओपनिंग उसने फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर किया हमारा। फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना था, 240, जो मैंने उसमें लिखा आप देखिए, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन किया, इसलिए उसको सेकंड रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। देखिए वापस से, फर्स्ट रेजिस्टेंस मैंने क्या बोला था, 240, तो इसके ऊपर ही ओपन किया 288, तो दूसरा रेजिस्टेंस था 304। देखिए किस लेवल से निकाला है मेहनत से, तो एग्जैक्टली यहीं पर हाई बनाया आप देखिए, एग्जैक्टली 305 पे हाई बनाया इसने, ठीक है, 305 पे एग्जैक्टली हाई बनाया, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर खुला, 240 के ऊपर खुला, तो ऑब्वियस है कि सेकंड रेजिस्टेंस उसको मानना पड़ेगा। तो 305 का हाई बना के अब आप लो पे नज़र डालिएगा, आज का लो कितना दिखा रहा है, 181। तो हमारा फिर से वो देखते हैं, सुबह मैंने क्या दिया था, फर्स्ट सपोर्ट क्या दिया देखिए आप, व्हाट वाज माय फर्स्ट सपोर्ट, 179, और आज का लो क्या है, 181। दिस इज कॉल्ड मैजिक, करेक्ट, एक्यूरेसी एट इट्स बेस्ट, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर खुला तो ज़्यादा नीचे जा ही नहीं सकता था, क्योंकि सपोर्ट इसमें सेकेंड सपोर्ट तभी आता जब ये फर्स्ट रेजिस्टेंस को भी फेस करता आज के दिन में, तो इसीलिए पहले सपोर्ट पे ही निफ्टी ने लो बना के वापस बाउंस बैक किया, ठीक है, और फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर खुला इसलिए सेकंड रेजिस्टेंस पे रुका। तो आज एक रेंज बाउंड मूवमेंट जरूर थी, लेकिन अच्छी खासी रेंज थी, इफ़ यू सी 305 और 180, यानी कि 125 पॉइंट की मूवमेंट थी हाई लो के बीच में रेंज, उसमें हमारा दोनों लेवल वेयर ऑन डॉट, ठीक है, ये आपको याद ही होगा, चाय की चर्चा में मैंने दिखाया था एक झलक, अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो की दिखा सकता हूँ,
बट इट्स नॉट नेसेसरी, स्टिल आपको दिखाना चाहिए मैजिक क्या है। ये था ना चाय पे चर्चा, ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड के लिए दिखा दो। Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business hosting is a जय जिनेंद्र। गुरुवार को, थर्सडे को, ठीक देखिए, तो अब आ जाइए, मैं आपको इमीडिएट जो लेवल्स है, मैंने बहुत 5 मिनट की अभी कसरत की है, तो उस हिसाब से मेरे पास जो जो लेवल्स निकले मैंने आपको बता दिया। निफ्टी स्पॉट का जो देखिए, एक 30 मिनट का चार्ट है पिछले 10 दिन का, तो लास्ट जो 238 के करीब लास्ट ट्रेड हुआ है, क्लोजिंग हुई है, 239 का हाई है लास्ट, ठीक है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको 240 पे ही है, तो ये तो रेजिस्टेंस पे ही कल ट्रेड कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 304 पे है, कितने पे, ये सारे स्पॉट के लेवल्स हैं, ठीक है, आप लोग सुन लीजिएगा, आपको पता तो चल गया। अब आ जाइए कल के लिए अपन तैयारी करते हैं, कल मुझे तेज़ी लग रही है, फिर भी मैं आपको कुछ थोड़ी सी सावधानियां बताता हूँ। टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो बोथ आई एम एक्सपेक्टिंग ए बुलिश मूव इन बैंक निफ्टी स्पेशली, और बैंक निफ्टी मेरा टारगेट अभी थोड़ा बड़ा है। आपको पहले मैं डिस्क्लेमर इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि एकदम अंधा भरोसा कर लेते हैं, तो दे शुड फर्स्ट सी द डिस्क्लेमर, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सच्चाई बताने की कोशिश करता हूँ, बट आप अंधा भरोसा मुझ पर मत करिए। I am also a normal human being, so take your own decision, consulting your own financial advisor, because these are my personal views and based on the huge knowledge of technicals as well as astrology, I am providing you this kind of views, but this is not a trading advice, so kindly consult your own SEBI registered advisor before taking any kind of trading action. And this is, disclaimer is written in the description box of my videos. All my videos. So description box is just below the title. You will find a description box. So you have to read this disclaimer always before watching my videos. So आपको ये disclaimer हमेशा पढ़ना मेरी videos देखने के पहले. Now let us first analyze Bank Nifty and Nifty. What will be important levels for tomorrow and I am personally expecting a bullish run tomorrow as well as day after tomorrow. Especially in Bank Nifty, I am expecting much bullish move compared to Nifty. Still, मैं देखता हूँ कल के लिए levels क्या निकल रहे हैं आपके लिए। एक important juncture पे आज close किया है। Let us see कल इमीडिएट बेस पे तो ये सपोर्ट आता है इसका। कल के लिए इमीडिएट जो सपोर्ट आएगा आपका वो आएगा करीब करीब, लेट अस सी, कल के लिए इमीडिएट एक सपोर्ट आता है, वो आता है 190 will be your immediate support for tomorrow. और अगर उसको ब्रीच करता किसी कारण से then you might see these levels. 120 के लेवल का भी फिर नेक्स्ट सपोर्ट है 120. पहला सपोर्ट है 190, दूसरा 120. कल के लिए ये दो सपोर्ट है 190 120, ठीक है, आज 222 पे क्लोज हुआ है, तो 190 एंड 120 इज योर सपोर्ट ऑन द डाउन साइड, एंड फॉर रेजिस्टेंस टुमारो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस विल बी 270, और उसके बाद ब्रेकआउट है 270 के ऊपर, आप आराम से बुलिश रहिए, नो वरीज, डरिए मत, कल 300 रुक नहीं पाएगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, 411 पे क्लोज हुआ आज, इतना तो मुझे याद है, लेकिन मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेता हूँ। कल मुझे थोड़ा सा इसमें बुलिश मूव लग रहा है, कल अगर ये और नीचे मिलता है तो इट विल बी वेरी गुड, तो कल सपोर्ट
अगर कल सपोर्ट पहले टेस्ट करता तो आपके लिए लॉटरी है समझ लीजिएगा, और इसका वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहला है 21300 पे एक बड़ा सपोर्ट है, 411 की क्लोजिंग हुई है 411, और अगला बहुत बड़ा सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो दिस विल बी द बिगेस्ट सपोर्ट। वैसे 21300 को कल ब्रीच कर दिया तो आप इसके लिए देखिएगा, थोड़ा दूर का है अगला सपोर्ट, बट 21055 सीधा, ठीक है 21300 के बाद, तो ये फाइनल सपोर्ट है कल के लिए। लेकिन मैं अपसाइड देख रहा हूँ कल पर्सनली, लेकिन आपको सपोर्ट बताना ज़रूरी है। पहला आपको रेजिस्टेंस आएगा 590 पे, 590 टूटा आप बिंदास हो जाइए, कल 22000 कल ही दिखा देगा। तो ये आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के मैं बता दिया, एंड पर्सनली आई एम बुलिश टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो ऑल्सो। अब आ जाइए हमारी जो स्टडी की हुई है, इसकी वेज बनाई हुई है, वेज के आज ब्रेकआउट के बाद इसने थोड़ा सा नौटंकी किया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेज के बाहर ही है अभी ब्रेकआउट के लेवल। मैंने जो कल बोला था कि वापस टेस्ट करने आना चाहिए, एज इट इज़ वैसा ही हुआ आज। तो मैं आज सुबह भी आप लोग को काफ़ी चेतावनी दे रहा था, तो एज इट इज़ सेम थिंग्स हैपेंड, सो लेट अस सी। कल लेकिन 250 तक अगर अच्छी तेजी रहती तो एक बार आप कल प्रॉफिट बुक करिएगा 250 के आसपास, याद रखिएगा, अगर अगर अच्छी तेजी रहती है तो 250 तक, और अगर 250 तक मंदा रहता है तो बिंदास बाई करिएगा 250 के पहले, ठीक है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये वेज का ब्रेकआउट कल आया था, आपको पता ही है, दिस वॉज द ब्रेकआउट यस्टरडे, और आज ठीक इसको मैंने बोला था टेस्ट करने आएगा, लेकिन लाइन पे नहीं आया, तो हो सकता है कल अगर आए भी तो कल एक सरप्राइज लो भी दिखा सकता है बैंक निफ्टी, एंड इट कुड बी सरप्राइज लो कुड बी 21070, जो मैंने कुछ 55 का सपोर्ट बताया आपको वो वाला कल लो बन सकता है अगर बना तो, और या फिर कल हो सकता है शुरुआत यहाँ से कर दिया 500 के लेवल से तो फिर बड़ी तेजी तुरंत कर दे, दोनों चीज़ पर ध्यान रखिएगा। तो बस इतना ही है, और कुछ ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, और आने वाले दिनों में वेबिनार है वो आप सबको पता ही है, जिसको इंटरेस्ट है वो आएगा, जिसको नहीं है जय श्री राम जय भोलेनाथ। तो मौज करिए दोस्तों, आई होप आई डन जस्टिस टू द एनालिसिस, एंड इफ समथिंग एल्स इज देयर टुमारो आई विल बी इन द मॉर्निंग आई विल अपडेट इफ समथिंग मोर इज देयर। सो पर्सनली सीइंग ए बुलिश मूव इन बैंक निफ्टी टुमारो, बट as a surprise it might first reach to this levels 21090 के करीब का कल लो भी बना सकता है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा, नहीं 30 तारीख 21070 के करीब का लो भी बना सकता है कल। तो अगर पहले नीचे आए तो इस लेवल के आसपास जरूर बाई करिएगा 21100 के करीब, ठीक है। जय जिनेंद्र जय भोलेनाथ जय हिंद।